अगर आपका बजट है 15,000 रुपीज़ एंड 15,000 से लेकर 20,000 के अंडर में अगर आपको एक लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो एकदम सही है आपके लिए, बिकॉज भाई मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टॉप 5 स्मार्टफोन्स 5G वाला अंडर 15,000 से लेके 20,000 के अंडर में। और यहाँ पे टोटल भाई लगभग 12 से लेके 15 स्मार्टफोन्स थे जो कि 5G स्मार्टफोन्स थे 15 से लेके 20,000 के रेंज में। तो यहाँ पे मैंने काट काट के समझ रहे सिर्फ मैंने 5 फ़ोन रखा है, तो बहुत सारे चीज़ को मैंने नज़र में रखते हुए भाई इस लिस्ट को बनाया। जैसे कि सबसे पहला बात, इसमें भाई परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आना चाहिए, बिकॉज भाई 5G फ़ोन है। अगर फ्यूचर प्रूफ ले रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तो आराम से चलाओगे स्मार्टफोन को। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोसेसर को सबसे पहला हाईलाइट दिया। उसके बाद में है भाई डिस्प्ले, फिर है कैमरा, तो भाई कैमरा भी आपको तगड़ा तगड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो लिस्ट है आपको कैसा लगा, और यहाँ से अगर कोई भी स्मार्टफोन अगर आप यूज करते हो तो मेरे को बिल्कुल एकदम नीचे कमेंट में फटाफट बता देना कि जो मैंने सजेस्ट किया वो अच्छा है कि नहीं है। और सारा फोन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर सकते हो कि वो स्मार्टफोन कैसा है। सबसे पहले बढ़ते हैं भाई अपना जो 5th नंबर पे स्मार्टफोन है वो है रियलमी नाजो 35G स्मार्टफोन, जो कि बहुत सही एक स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। इसका प्राइस रेंज है 16,000 रुपीज़ और इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ICICI का अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो। बाय द वे इसमें आपको 2 कलर आता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं चिपसेट को लेके, तो यहाँ पे MediaTek का Dimensity 700 देखने को मिलता है। 6GB रैम है, 2.2 GHz का है। डिस्प्ले का बात करें तो 6.5 इंचेस का IPS LCD देखने को मिलता है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट इनफ है, क्योंकि भाई आजकल कोई गेम ही नहीं है जो कितना सपोर्ट करता हो। बस आपको नॉर्मल यूजेस में ही आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई 90Hz चल रहा है। और कैमरा सेगमेंट का बात करूँ तो 48MP, 2MP, 2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा सेटअप मिलता है। बैटरी यहाँ पे 5000 mAh बैटरी मिलता है और टाइप सी है, सबसे पहला चीज़ अच्छी बात यही है। तो यहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो। डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, ऐसा लुक्स भी अगर देखोगे तो कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एक बार आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। जो नंबर 4 पे स्मार्टफोन है वो है रियलमी की तरफ से आने वाला Realme 8 5G। यहाँ पे जो वेरिएंट का बात करूंगा वो है 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम वाला, और इसका प्राइसिंग 17,000 रुपीज़ है ऑन फ्लिपकार्ट और 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वापस से, एंड जो कि बहुत क्रेजी चीज़ होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स देखोगे तो फोन आपको सही में आपको अच्छा देखने को मिलता है। फटाफट स्पेक्स का बात कर लेते हैं। चिपसेट आपको यहाँ पे MediaTek का 700 ही देखने को मिलता है, और इसमें रैम अपग्रेड हो जाता है। 4GB से रैम हो जाता है, प्रीवियस वाला से 8GB रैम हो जाता है 2.2 GHz पे। डिस्प्ले का बात कर लेते हैं, 6.5 इंचेस का IPS LCD है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है। कैमरा सेगमेंट भी आपको ट्रिपल कैमरा सेट है, 48+2+2 देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 16MP मिल जाता है। बैटरी भी आपको 5000 mAh बैटरी है यहाँ पे, जो टाइप सी हो जाता है। तो यहाँ पे 5th से जो नंबर 4th पे ऑलमोस्ट सारा स्पेक्स आपको सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे बस प्राइसिंग का डिफरेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8GB रैम हो जाता है, तो मतलब 4GB रैम ज़्यादा मिलता है। जो अपना 3rd नंबर पे स्मार्टफोन है वो है Realme Nazo 30 Pro, और जो Realme Nazo 30 था वो 5th नंबर पे था, और यहाँ पे जो प्रो वाला ये 3rd नंबर पे देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस है, जबकि प्राइसिंग आपको सेम प्राइसिंग मिलता है 16,000 रुपीज़ का अमेजोन पे अवेलेबल है। और जिस वेरियंट का बात करेंगे वो है 6GB रैम विथ 64GB इंटरनल स्टोरेज। तो क्या डिफरेंस है, फटाफट चेकआउट कर लेते हैं। एक तो आप लुक्स देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक देखने को मिलता है। अगर मैं परफॉर्मेंस का बात करूँ तो यहाँ पे MediaTek का Dimensity 800U देखने को मिलता है, और भाई जो 30 था जो 5th नंबर पे था वो 700 देखने को मिलता है, यहाँ पे 800 देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस में ऐसे लॉन्ग जंप हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको 8GB का रैम मिलता है और वहाँ पे 4GB रैम मिलता था ऑन सेम प्राइस रेंज में। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, सेम कंपनी का स्मार्टफोन है, बस यहाँ प्रो लग गया, बट फिर भी ये प्राइसिंग आपको कम में देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, IPS LCD देखने को मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। अगर कैमरा सेगमेंट का बात करूँ तो 48MP+2MP+2 MP फ्रंट का, 16MP स्टोरेज को 256GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। OTG सपोर्ट करता है, डुअल सिम है, 5G है, Gorilla Glass 3 देखने को मिलता है। तो ये वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग फोन एंड एकदम प्राइस टू वर्थ वाला फोन हो सकता है, तो ये वाला को भी चेकआउट कर सकते हो। गेमिंग वेमिंग भी बहुत तगड़ा निकाल के आपको देने वाला है, बिकॉज
डायमंड सिटी का 800 काफी अच्छा प्रोसेसर है 5G के हिसाब से। जो अपने नंबर दो पे स्मार्टफोन है वो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, वो है अपना Realme X7 जो कि वन ऑफ द पॉपुलर स्मार्टफोन था कुछ महीनों पहले, मतलब एक दो महीना, मतलब एक महीना पहले भी आप बोल सकते हो, एक महीना पहले बहुत ज्यादा भाई डिमांड एंड पॉपुलर था Realme X7। फिलहाल जो है Amazon पे अवेलेबल नहीं, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन Flipkart वगैरह में आपको मिल जाएगा। जो मैं वेरिएंट का बात कर रहा हूँ वो है 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बहुत सारे इसका वेरिएंट एंड ऑल आते रहते हैं। और यहाँ पे भाई लुक्स आप देख सकते हो, लुक्स आपको डेफिनेटली बहुत सही देखने को मिलता है। फटाफट चिपसेट का बात कर लेते हैं, मीडियाटेक का डायमंडसिटी 800U देखने को मिलता है 2.4GHz में, 6GB रैम है, 6.4 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको मिलता है सुपर एमुलेट, तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में बहुत अच्छा खासा लॉन्ग जंप हो गया है। लगभग तीन फोन तीन फोन मैंने बताया सब पे आपको IPS LCD देखने को मिलता है, यहाँ पे सुपर एमुलेट में डेफिनेटली हम लोग आ गए। 60Hz का रिफ्रेश रेट है, कैमरा सेगमेंट बहुत भारी हो गया पहले वाले फोन से, क्योंकि यहाँ पे 64MP इसका मेन प्राइमरी कैमरा है और इसके साथ इसमें आपको दो कैमरा और मिलता है 8MP प्लस 2 and 2MP। फ्रंट का आपको 16MP देखने को मिलता है, बैटरी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 4310mAh है, लेकिन इसके साथ आपको सुपर डैश चार्जर मिलता है जो कि फोन को ऐसे करके चार्ज कर लेता है। स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, ड्यूअल सिम लगा सकते हो, 5G है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास है, पता नहीं कौन सा प्रोटेक्शन है, OTG वगैरह सब सपोर्ट करता है। तो ये वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, आप इसको एक बारी कंसीडर करके देखो, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज भाई ये एक महीना पहले सबसे तगड़ा बिकने वाला स्मार्टफोन आप बोल सकते हो। जो नंबर वन पे स्मार्टफोन है, कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था, उस पर पबजी टेस्ट वगैरह मैंने किया था, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला आप सभी की तरफ से, थैंक यू सो मच भाई कि आपका रिस्पॉन्स आया। और मैं बात कर रहा हूँ IQ Z3 5G के बारे में, यहाँ पे जो वेरियंट है 6GB RAM with 128GB वाला वेरियंट का बात करने वाला हूँ। ये तो भाई मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है ना, अभी मैं बता दें Amazon पे अवेलेबल है 19,990 में, बट मेरे को ये पर्सनली फोन पर गया 16,512 ऑफ करने के बाद में। तो लुक्स देख सकते हो, लुक्स आपको बहुत सही देखने को मिलता है, एड वगैरह आप तो देखिए भाई IQ का बहुत ज्यादा चल रहा है। फटाफट बात कर लेते हैं चिपसेट को लेके, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 768G देखने को मिलता है, जहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा गेमिंग निकाल सकते हो। आप मतलब डे टू डे लाइफ में तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बहुत पावरफुल आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, मतलब डायमंड सिटी का 800U से भी ज़्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन का 768। गेमिंग के मामले में डे टू डे लाइफ यूजेस वगैरह में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। 6GB का रैम है, डिस्प्ले का बात करूँ 6.58 inches का डिस्प्ले है, IPS LCD देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड होता तो ज़्यादा मज़ा आता, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, कैमरा भी आपको बहुत मस्त है, 64MP, 8MP एंड 2MP का कैमरा सेटअप है। फ्रंट का आपको 16MP मिल जाता है, बैटरी का बात करूँ तो 4400mAh का बैटरी है, एंड इसमें 65W का शायद चार्जर मिलता है, लेकिन ये जो फ़ोन है, ये जो प्रोसेसर है वो 55W ही सपोर्ट करता है, लेकिन भाई आपको डब्बा में आराम से 65W का चार्जर मिल जाएगा। 1TB तक जो स्टोरेज है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, दो सिम लगा सकते हो, दो सिम लगेगा या फिर एक सिम एक मेमोरी लगेगा, तो हाइब्रिड वाला झंझट है, और OTG सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट है, 5G ये सब तो मैंने बता ही दिया। तो डेफिनेटली आप ये वाला फ़ोन को चेकआउट कर सकते हो IQ वाला। अब मेरे को एक्चुअली ना IQ पसंद है, लेकिन इसका जो OS है उतना मेरे को पसंद नहीं है, उसलिए मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन बाय द वे अगर 10-15 दिन चलाओगे तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला स्मार्टफोन, 10 दिन में एकदम सेटल हो जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये सारे स्मार्टफोन से में से कोई भी अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया भाई, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस लिंक में क्लिक करो, वगैरह चेक करो, पसंद है तो बुक करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि 10,000 में कौन सा लेना है 5G स्मार्टफोन, 30,000 भी अगर आप बोलोगे तो मैं बना के ढाल दूंगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना, नीचे कमेंट करके बताना कि ये आपको प्राइस मतलब ये आपको जो लिस्ट मैंने बनाया वो आपको कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।